पापा मम्मी आ गए मार्केट तो। पापा मम्मी मार्केट तो वापस आ गए। पापा मैं तुहानू कदों दे बुला रही हूं, तुहाडा ध्यान कित्थे है? कीरत आ देख न्यूज़ च तेरी खबर आ रही है। किवें तू बदमाश मुंडिया नू सबक सिखाया ते बाकी सारी कुड़िया नू खुद दी रक्षा करनी मोटिवेट कीता। आई एम प्राउड ऑफ यू पुत्र। पापा आज मैनू भी तुहाडे ते बहुत गर्व है क्योंकि ये सब कुछ थोड़ी परवरिश करके तो पॉसिबल हो पाया। कीरत जसमीत जी नू तेरे ते बहुत गर्व है। मैं उन्हां दी अखां च तेरे लिए प्यार देखिया ते मैनू लगदा पुत्तर तेनू उन्हां दे पॉलिटिक्स ज्वाइन करन दे ऑफर बारे सोचना चाहिए। पापा हो तो उन्होंने वैसे ही कहता होना, मैनू नहीं लगता कि वह मैनू सच्ची च पॉलिटिक्स ज्वाइन करन बारे कह रहे होने, ते नाले जे वह मैनू कहणगे भी तो मैं मना ही करांगी क्योंकि तुहानू तां पता ही है मैं बाहर जाके पढ़ना चाहनी हूँ। पापा आ देखो जसमीत मैम बारे गल हो रही थी ना उन्हां दा ही कॉल आ गया। हाँ ते गल कर फोन चक जल्दी। हाँ जी हेलो। हाँ जी मैम किवें हो तुसी? हेलो कीरत मैं ठीक हाँ, तू दस तेरे बारे ना न्यूज़ विच खबर आ रही सी, ये दसन लई तैनू मैं फोन किया। हाँ जी मैम मैनू पापा हुणे उही दस रहे सी। ईवेंट बहुत वधिया सी, तू ते शमिंदर जी ने मिलके ना बहुत वधिया तैयारियां कीतियां ने। आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच मैम, ये सब तुहाडे सपोर्ट करके तो पॉसिबल हो पाया। कीरत तू कदों फ्री होएंगी? मैं तैनू मिलना चाहुंदी सी। मैम तुसी दसो जदों तुसी कहोगे मैं उदों तैनू मिलन आ जाऊंगी। नहीं काम मेरा है इसलिए मैं ही तैनू मिलन आवांगी। पॉसिबल होया आपां कल ही मिलदे हां, बस तू अपने मम्मी पापा नूं कह दी कि ते बाहर ना जान क्योंकि मैं चाहनी हाँ जदों मैं तैनू मिलन आवां ना तो तेरे मम्मी पापा भी अपने कोल होण। ओके मैम पर गल की करनी है? डोंट वरी मैं तैनू कल मिलके दस दी हां। ओके किरत हुण मैं फोन रख दी हां। ओके बाय मैम। जसमीत मैम ने मेरे नाल की गल करनी है? कीरत की होया की क्या जसमीत जी ने? पापा जसमीत मैम ना कल साढ़े घरे आना चाहते है ते उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने कोई जरूरी गल करनी है ते मम्मी पापा दे सामने गल करनी है। कीरत मैनू लगता है वो पक्का तेनू इलेक्शन की टिकट देना चाहते है। पापा कुछ भी ऐदा थोड़ी ना होंदा है। वो मैनू पता है जो कुछ भी होगा कुछ चंगे लिए होगा। आखिर जसमीत मैम चाहते की है मेरे तो? सरताज पुत्र रिसीव। आंटी जी तुसी ठीक हो? आंटी जी मैं ठीक हूँ पुत्र, थैंक यू। आंटी जी कि कीरत की तरह तुसी भी मेरे नाल गुस्से हो, तुहानू भी डैड का गुस्से का जिम्मेवार मैं लगता? नहीं नहीं सरताज पुत्र, जे मैनू पता हुंदा कि शम्मी साढ़े नाल केड़ी गल तो गुस्से है तो मैं उन्हें मना लेना सी, पर मैनू पता ही नहीं कि वो साढ़े नाल गुस्से है क्यों। मैनू पता सरताज शम्मी ने तेनों साढ़े नाल ते कीरत नाल गल करन तो मना किया ते मैनू ये भी पता कि तू उन्हां दी हर गल मनदा, तेरी भलाई भी इसी ची है पुत्र,
कि जिन्ना चर शम्मी साडे नाल पहला वांगू गल नहीं करता उन्ना चर तू साडे तो दूर ही रह। जे तेनू इत्थे किसे ने देख लिया तो मैं बेवजह तुहाडे घरे झगड़ा हो जाना, इसलिए पुत्र मैनू घर जान दे ते तू भी हुण जा इत्थों। मैं कीरत नूं प्यार करदा आंटी जी। की कहा तू? वही आंटी जी जो तुसी सुनिया, मैं कीरत नूं बहुत प्यार करता। आंटी जी जे मैं डैड तुहाडे नाल गुस्से आ तुहाडे नाल गल नहीं करते, पर अज भी डैड दे दिल च तुहाडे दोनां लई उन्ना ही प्यार है जिन्ना कदे पहलां सी। डैड अज भी तुहाडी उन्नी ही फिकर करते, उस तरह कीरत भी मेरे नाल गल नहीं करती, मेरे नाल गुस्से है, पर मैनूं पता है उहदे दिल च अज भी मेरे लई उन्नी ही फिकर है। ये सब मैं जानता, और जे मैं नहीं जानता तां ये किहो जिहा रिश्ता है जिसका एहसास तो हुंदा है पर कदे जुबान ते नहीं हुंदा। इहनूं ही तां दिलां दे रिश्ते कहिंदे आ पुत्तर, ये बनदे हौली हौली है पर निभदे उमरां तक। आंटी जी मैनूं ना तुहाडी हैल्प दी लोड़ है, तुसीं मेरी हैल्प करोगे? मैं तेरी मदद की कर सकती हूँ पुत्तर? आंटी जी कीरत मेरे नाल गुस्से है, मेरे नाल नाराज है, मेरी शक्ल भी नहीं देखना पसंद करती, पर मैं उन्हें हमेशा देखना चाहना। मैं कीरत नूं बहुत प्यार करता आंटी जी, मैं कीरत नूं बहुत पसंद करता, तो मैं अपने दिल की गल कीरत नूं कह भी चुके, पर कीरत ने मैनूं कोई जवाब नहीं दिता। मैं बड़ी हिम्मत करके तुहानूं ये गल कही आंटी जी कि तुहानूं साडे दोनों का रिश्ता पसंद है। मैं कीरत नूं सच्चा प्यार करदा आंटी जी, मेरा कोई भी लाइफ पार्टनर होगा ना तो वह सिर्फ कीरत होगी, नहीं तो मैं कदे विआह नहीं करूँगा, ये मेरा वादा है तुहाडे नाल। एक बार शम्मी ने भी इदा सोचा सी पर शायद हुण ये सब भुल चुकिया। आंटी जी तुसी की सोचन लग गए, तुसी मेरी गल का जवाब नहीं दिता। की जवाब देवा मैं तेनू सरताज, जे मैं तेनू हाँ बोल भी दिता तावी तेरे पापा ने कदे नहीं मनना तेरे ते कीरत दे रिश्ते लई। मैं तो तेनू एहो सलाह देऊंगी कि तू कीरत नू भुल जा, शायद इस जन्म च तुसी दोवें कदे इकट्ठे ना हो पाओ। तू ये सब सोचना छड़ दे सरताज। आंटी जी घट्टो घट तुसी ते इदां ना बोलो, तुसी मेरी आखिरी उम्मीद हो। मैनू पता डैड तुहाडे नाल चंगा व्यवहार नहीं कर रहे, पर मैनू पक्का यकीन है कि एक दिन तुहाडे तिन्नां दे दिलां दे रिश्ते पहलां वांगू हो जाणगे। अरे रिश्ते दोबारा पहला मांग करने लिए थानू अगे होना पैना आंटी जी, थानू डैड ना गल करनी पैनी, क्योंकि एक तुसी हो जो उस रिश्ते नू दोबारा इकट्ठे कर सकते हो। मेरा दिल कहिंदा आंटी जी जे तुसी डैड ना गल करोगे ना वो तुहाडी गल जरूर सुनणगे। आंटी जी एक तुसी हो जो कीरत ते मेरा विआह करवा सकते हो, और कोई मेरे दिल की गल नहीं समझता, मेरे मॉम डैड भी नहीं। सरताज पुत्र मैं चाह के भी तेरी कोई मदद नहीं कर सकती। आंटी जी जे मैं तुहाडा मुंडा हुंदा तुसी तां भी मैनूं मना कर दे। तू मेरा ही है सरताज, मैं तेरी हर मदद करन नूं तड़प रही हां, पर मैं की करां
मेरी हर मदद तेरे लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है, क्योंकि शम्मी नू समझाना बहुत औखा है इस टाइम ते। वो मेरी कोई भी गल सुनने नू तैयार नहीं। सरताज, तेरे पापा ने मेरी कोई गल नहीं मननी पुत्र, तू समझ इस गल नू। आंटी जी, प्लीज एक बार कोशिश तो करके देखो, मेरे ते कीरत ली। सरताज, तू मेरे मुरे हाथ ना जोड़ पुत्र। हर एक चीज का सही टाइम होता। आंटी जी, तुसी मेरे नाल एक वादा करो। तुसी डैड ना गल करोगे तो उन्हें इस सब लिए राजी करूंगे। वादा करती हूँ पुत्र, तेरा ते कीरत दा व्याह होवे मैं तेरे लिए जरूर कोशिश करूंगी। हाँ सरताज पुत्र, हम तो इतों जा पुत्र, जिते मैं इतने किसी ने देख लिया तो मैं मुसीबत खड़ी हो जानी। थैंक यू आंटी जी। थैंक यू सो मच। एक तुसी हो जो मैनू समझ सकते। तू जाओ नहीं तो पुत्र। आंटी जी, मैं करे छड़ देना तुहानू। नहीं नहीं सरताज, तू चला जा पुत्र इत्थों, मैं आपे चली जाऊंगी। ठीक है आंटी जी। आंटी जी, सरताज बेचारा इन्ना दुखी है अंदर तो, ते शम्मी ते प्रभजो ते इस बारे सोच भी नहीं रहे। पता नहीं दोनों नूं की खुशी मिल रही है सानू सब नूं इन्ना दुखी देख के। मैनू तां कुछ भी समझ नहीं आ रहा। बाबा जी तुसी कुछ करो, तुसी कहिंदे हो ना इदां दी कोई गल नहीं जिहदा कोई हल नहीं। सरताज ते कीरत दी भी इस मुश्किल दा हल कढो बाबा जी। वाह कीरत, तू तो पूरे शहर से छा गई। तेरी फोटो जसमीत कौर नाल वेख के मैंने तो बहुत खुशी हो रही। मैनू पता है तुसी भी कीरत की तारीफ की खबर पढ़ रहे हो ना? नहीं नहीं, मैं तो इसे प्रोग्राम की खबर पढ़ रहा थी। उधर मेरी भी तो तारीफ की थी ना? तो आड़ा सिर्फ नाम आया है। उस कीरत की तो फोटो भी छपी है। जसमीत कौर ने पूरी तारीफ के कसीदे भी पढ़े हैं। जसमीत जी ने मेरी तारीफ भी तो की थी ना? ते नाले उन्होंने साड़ी बिजनेस डील पसंद करके फाइनल भी किया। ते बड़ी जल्दी उसते काम भी शुरू हो रहा है। ये उस बिजनेस डील करके ये चुप्पा, नहीं तो पता नहीं आज मैं की कर देना सी। जो मैं तो सफाई करवा रही सी, उस हरकत करके ना मैं उन्हें कभी माफ नहीं करांगी। प्रभजू, तू तो ऐवें ही गुस्सा करी जानी है। कीरत तो सबनों चंगा काम करने लिए कह रही सी ना, नाले तो जसमीत मैम का ऑर्डर सी। कीरत तो सिर्फ उन्हें फॉलो कर रही सी। जसमीत मैम खुद भी तो काम कर रही सी ना, ते मैं भी काम कर लिया। बाकी कीरत ने मेरा कोई लेना देना। चल छोड़ो ये गल्ला, तू भी बहुत थक गई है ते मैं भी बहुत थक गया। सोई हूँ, तू भी सो जा। ठीक है, गुड नाइट।
तुहानू नींद आ सकती है पर मेरी नींद उड़ चुकी है। मेनू चंगी तरह पता है कि कीरत ने जसमीत कौर ते मोटे ते बंदूक रख के ना मेरे वालों चलाई है। मैं इसका बदला तो लेके रहना है। ये वधिया चांस है गल करन दा। मैं कीरत नूं सब कुछ दस देना कि कल मेरी गुरमन आंटी नाल की गल होई। गुड मॉर्निंग कीरत। यार तू हले भी नाराज है, हूं तो गुस्सा छड़ दे यार। कीरत मैं गुरमन आंटी नू सब कुछ दसता है। की दसता तू मम्मी नू? सब कुछ कि मेरे दिल च तेरे लिए की है ते मैं सिर्फ कीरत नाल ही व्याह कराना। ते गुरमन आंटी ने मैंने प्रॉमिस किया कि वो साढ़े दोनों के व्याह लई डैड नाल गल करेंगे। सरताज, आर यू सीरियस? यस। जे मम्मी नू कोई प्रॉब्लम नहीं है ते शम्मी अंकल भी साढ़े व्याह लई तैयार है ते मेरे वालों भी हाँ है। सरताज पक्की गल है? हाँ सरताज। यस यस। की होया, थक गया हुणी? की गल हो गई, कित्थे क बच्चा? चल हुण जी, चल चल। की होया प्रभजोत, तू बाहर क्यों खड़ी है? थोड़ी जसमीत मैडम का फोन आया सी, उन्होंने थानू कीरत दे घर बुलाया। कीरत दे घर? पर क्यों? मैं भी यही पूछा सी, कह रही सी कोई जरूरी काम है, पर मैनू तो यह समझ नहीं आ रही जी इन्नी जरूरी काम सी ते साडे घर या अपनी ऑफिस में मीटिंग रख सकते सी, ये हर बार कीरत दे घर क्यों बुला रहे हैं? कीरत दा घर कोई पार्टी ऑफिस तो नहीं है ना जो कीरत दे ऑफिस बुलाई जा रही है? या हो सकता है ये सब कुछ किसी के कहने ते कर रहे हो? नहीं नहीं प्रभजोत, मैनू नहीं लगता कि जसमीत मैम किसी के कहने सब करेंगे। वो तो एक पॉलिटिशियन ने, वो तो वही करेंगे जिस पे उन्हां दा फायदा होगा। जसमीत मैम, तुसी? मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ जी मैम, थोनू पूछन दी की लोड़ है, प्लीज आ जाओ। मम्मी पापा देखो कौन आया है, जसमीत मैम आए ने। जसमीत जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। जा कीरत पुत्र पानी लेके आ। हाँ जी। बैठो बैठो। थैंक यू। हुन सारा फायदा ना साडे नाल है,
आखो कीरत तो की फायदा उन्होंने उन्होंने साफ साफ समझा दो कि साडे परिवार का उन्होंने परिवार का कोई मेल नहीं है साडा लैवल कित्थे ते उन्होंने कित्थे उन्होंने कह दो कि सानू वार वार उन्होंने घर ना बुलाया करन मॉम डैड घर की गल बाहर किवें कर सकते ये तो होर भी नैगेटिव इंपैक्ट पाएगा मनी अंकल की फैमिली नाल साडे रिलेशन कोई परमानेंट थोड़ी खराब होए ने हो सकता है थोड़े दिनों च रिलेशन जल्दी ठीक हो जाए तो कुछ ज्यादा नहीं सियाना बंदा अजकल अपने काम ना काम रख मैं की करना ते की नहीं करना ये मैं डिसाइड करांगा तू नहीं प्रभजोत ठीक ही कह रही है कि जसमीत मैडम नू मैनू कीरत दे घर बुलाउण दी की लोड़ पैगी जे डैड इदा गुस्से च गल करनगे तां किवें दोनों फैमिलीज़ इकट्ठियां होणगियां हुण तां बस गुरमन आंटी तो ही उम्मीद है।